हेलो, मैं रैनी भाई हूँ। आज हमारे ऑटो गैराज में जो ऑटो आई है, आप देख रहे हैं कि इग्निशन को अगर हम ऑन करते हैं तो मीटर पे लगातार लाइट बना हुआ है, और यदि इसको हम स्टार्ट कर भी देते हैं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आप देख रहे हैं। चेक इंजन लाइट जिसको एम आई लाइट बोलते हैं, लगातार बना हुआ है, जा नहीं रहा है। टोटल खींच के दिखा, देख सकते हैं आप आरपीएम लिमिट लाइट जो है जल रहा है, लेकिन ईएमआई लाइट जो है इसका जा नहीं रहा है, जो कि हम ये गाड़ी हमारी बंद हो गई है, फिर से ऑन करेंगे इसको। देख रहे हैं स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन टोटल जैसे ही हम आप देख रहे हैं कि जल रहा है, लेकिन आरपीएम लाइट तो जल ही रहा है, काम कर रहा है बिलिंग अच्छी तरह से, और जो चेक इंजन लाइट है वो जा नहीं रहा है, जो कि आप देख सकते हैं बना हुआ है, ये जा नहीं रहा है लाइट। मैं आपको दिखाता चलूँ कि अगर ये लाइट ना जाए तो आप कैसे इसको बंद कर सकते हैं। चाबी हम ऑफ कर लिए हैं, ऑफ करने के बाद से आपको दिखाए हैं एक डाटा केबल कंप्यूटर ओपीडी का जो हम लगा चुके हैं, आप देख रहे हैं डैशबोर्ड के नीचे होता है, कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करने के बाद से जो हमारा टूल्स है यहाँ फिट हो गया, तो कि हम इग्निशन को ऑन करेंगे। इग्निशन को ऑन करेंगे, देखिए सामने आता है, इसे एंटर पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं लाइट ऑन है, डेटा सी ई सी में वन कोड है, इसको एंटर करेंगे। फिर से रेड कोड आप देख रहे हैं, रेड कोड पे जाएंगे, ये करंट डेटा सी है जो तुरंत फॉल्ट को स्कैन करके बताएगा, और एंटर करेंगे। आप ये देख सकते हैं, आपको बताता चलूँ, यहाँ देखते हैं हीटर कंट्रोल सर्किट बैक सेंसर ऑन लिख रहा है, जो इसका कोड है P00300 है। मैं आपको दिखाता चलूँ अच्छी तरीके से, तो आपने देखा ये सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम पे ये चीज़ बता रहा है। भाई आप जैसा कि देख रहे हैं, जो हमारे ओपीडी स्कैनर पे जो कोड था वही कोड का ये ऑन कर चुके हैं, हीटर कंट्रोल सर्किट बैक सेंसर वन, इस पर भी आई है, और इसका आप कोड देख सकते हैं। इसमें जो मैं आपको बताना चलूँ, नो इफेक्ट ऑन इंजन ड्राइविलिटी है, कि इंजन यदि अगर 3 किलोमीटर तक चलता है तभी ये काम करता है, यही सेंसर है जो हमारे साइलेंसर में लगा हुआ रहता है, जो कि ये आप देख सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। P1 में प्लस होना चाहिए, P2 में ग्राउंड होना चाहिए हीटर का, और P3 में भी ग्राउंड है, और P4 में प्लस सिग्नल है इसमें भी, जो कि आप पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे ये चीज़ आपको बताने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं पोल्टर्स में बैचलर रनिंग ओपन लूप फॉर ओपन टाइम, लंबाड़ा कंट्रोल एल डिसकनेक्ट बता रहा है कि हम जो ये सेंसर ये वाला है, ये वाला सेंसर जो है साइलेंसर के बाद से किसी ने डिसकनेक्ट किया था, तो उसे हम चेक करेंगे वाकई वो डिसकनेक्ट है या नहीं। ये फॉल्ट डिटेक्शन आप देख रहे हैं, द फॉल्ट गेट डिसकनेक्ट उपडम लंबाड़ा सेंसर हीटर कंट्रोल स्पिन ओपन सर्किट, आपने देखा इस पर ये दिखा है, और आप नीचे देख सकते हैं वायरिंग हार्नेस लंबाड़ा सेंसर, अगर ये सर्किट लगा है तो आप इसका वायरिंग चेक करें। इंजन देख रहे हैं, अगर ये सही है तो इंजन रनिंग फ्री ड्राइविंग असिस्टेंट ऑफ ऑन, यानी 3 किलोमीटर के चलने के बाद से ही ये चीज़ होगा, तो हम पीछे चलेंगे इंजन के बाद से और देखेंगे कि डिस्कनेक्ट तो नहीं है,
उसमें से, तो अगर डिस्कनेक्ट होता तो उसको लगा देंगे, अगर वो लगा भी होगा तो उसका वायरिंग एक बार चेक करेंगे। आपने देखा कि हम इंजन के पास आ चुके हैं, ये BZ6 का FI इंजन है जो कि ये आप देख रहे हैं साइलेंसर पर जो ये सेंसर लगा हुआ है, इसी को मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये कनेक्टिंग है, ये कनेक्ट है काफ़ी अच्छे तरीके से, इसको डिसकनेक्ट तो नहीं है। तो इसको हम मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसका वायरिंग भी हमने चेक किया, ये भी सही है, इसमें भी कोई भी इसका वायर जो है कट नहीं है। एक बार और यहाँ से चेक करेंगे, कोई कट तो नहीं है वायरिंग में। आपने देखा कि यहाँ भी कोई कट नहीं है, कोई भी बॉडी में टच नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरह से इसको दाब कर इसको कैप में बैठा देंगे, जो कि हमने इसको दाब कर बैठा दिया, और इसका भी वायर कहीं से कटिंग नहीं है, कभी वायर जो भी है। वायर हमारा कहीं से कट नहीं है, वायर एकदम कंप्लीट है। तो जब भी आपके ऑटो गैराज में ऐसा दिक्कत आए, हीटर का प्रॉब्लम आए, तो एक बार आप इस कैप को चेक कर लें कि कैप अच्छी तरह से बैठा हो, और कैप अच्छी तरह से बैठा है। अगर थोड़ा सा भी लूज रहेगा तो वो लाइट जलता रहेगा, जो कि हमने इसको ताप कर अच्छी तरह से बैठा लिए हैं। और आगे की तरफ चलते हैं, ये वाला आप देख रहे हैं इसका कैपलर होता है ये, जिसको अच्छी तरह से दाब कर दूसरे वाले कैप में इसको बैठा दिया जाता है। कि दूसरे वाले PDF में इसमें देख रहे हैं, अगर सारा कुछ सही है तो आप ट्रेमुलर बैंड डैमेज ही देखे लिखा है, डैमेज ऑन सेंसर कंट्रोल, इसको अच्छी तरह से चेक करें कि ये डैमेज तो नहीं है, अब बैंड में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कहीं से भी डैमेज है तो आप ये देख सकते हैं लिखा है रिप्लेस सेंसर, यानी इसको नया लगाएं। फिर यहाँ देख सकते हैं द जेक कॉन्टिन्यूटी बेटर डिसकनेक्ट सेंसर टू चेक ECU, कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो ECU बाहर निकाल कर और कैप सेंसर का पिन में लगा के उसके बाद से ही कॉन्टिन्यूटी चेक करें, और उस समय चाबी ऑफ होना चाहिए, तभी आप कॉन्टिन्यूटी अच्छी तरीके से चेक कर पाएंगे, जो कि आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। इसमें सारा कुछ कंप्लीट है लिखा है, फिर से भी यहां देख चेक रिप्लेस वायरिंग हार्नेस, अगर कॉन्टिन्यूटी किसी भी वायर में नहीं आ रहा है इस चारों में से, तो आपको इसको वायरिंग चेक करेंगे, उसके बाद से आप इसके नीचे चेक कर देखेंगे नीचे अच्छे क्या दिया गया है। सेंसर पिन ऑन 3-4, पिन 4 में डिसकनेक्ट टू सेंसर पिन टू ओपन करंट, आप देखते हैं कि इसमें लिखेगा सेंसर पिन ऑन 3-4 ओपन सर्किट है, इसमें बता रहा है सेंसर पिन टू ओपन सर्किट, यानी इसका जो इसका तार जो है वो टच हो चुका है। जो आपकी देख रहे हैं चेक रिप्लेस वायरिंग हार्नेस, यहाँ भी चेक करेंगे इसे, ये आप देख सकते हैं। फिर से चौथे नंबर पर द एन डैमेज कट पिचिंग वायरिंग हार्नेस शॉर्टिंग पार्ट्स, यानी कहीं से भी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी उसका पिन जो है वो हिलना नहीं चाहिए, और कहीं से शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, शॉर्टिंग है तो आप देख सकते हैं चेक रिप्लेस वायरिंग हार्नेस। आप देख रहे हैं नंबर 5 में आ जाएंगे, इस सेंसर फिजिकल डैमेज बता रहा है, उसको चेक कर लेना है, कहीं से भी बॉडी में अगर डैमेज है तो आप ये देख सकते हैं रिप्लेस सेंसर फायर स्मिट, यानी उसको भी चेक कर लें, और उसके बाद से अगर सारा कुछ सही है, अगर बार बार लाइट बंद करने के बाद से भी जल जा रहा है, ये देख रहे हैं डिस्कनेक्ट टूल रिफ्रेस फॉल्ट इसमें प्रिंट, ये आप देख सकते हैं रिप्लेस सेंसर रिप्लेस सिस्टम रिप्लेस ECU, जो हमने आपको एक PDF के माध्यम से बताया, तो ये सारा कुछ हमारा सही है। तो हम इसको क्या करेंगे,
बताता चलूँ कि इसमें हमें क्या करना है। इसको बैक में जाएंगे, बैक के हम कोड इरेज पे आ जाएंगे और फिर से इंटर प्रेस करेंगे। फिर से देख रहे हैं जो कि आपने देख पाया जो कोड को डिस्क्रिप्ट कर दिया गया है हो गया। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, चाबी को एक से दो बार कट और ऑफ करेंगे और इंजन को स्टार्ट करेंगे। जो आपने देखा लाइट चला गया है। मैकेनिक भाई, जब भी आपके ऑटो गैराज में ऐसा कोई भी दिक्कत आता है तो सेंसर का जो पिन है, जो उसका कैप है, कपलर है, जो भी, उसे अच्छी तरीके से उसे बैठा दें और उसको ये चीज़ आर्ट में चेक कर लेना चाहिए कि आर्ट में बैठा है या फिर नहीं। क्योंकि अगर वो आर्ट में नहीं बैठा है फिर भी वो लाइट जलता ही रहेगा। आप यहाँ से कोड को इरेज कर देंगे, फिर कुछ दूर चलेगा, 3 किलोमीटर चलने के बाद से वो फिर से जल जाएगा।